जय हिंद साथियों, दिल्ली से आपकी विधायक अलका लांबा बोल रही हूँ। दिल्ली के जितने भी तमाम हमारे वर्कर हैं और मजदूर हैं, खास तौर से उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार ने एक वार्निंग, एक चेतावनी उन सभी लोगों के लिए जारी की है जो मजदूरों को या वर्कर को उनका न्यूनतम मजदूरी मेहनताना नहीं देते हैं। आज वार्निंग हर अखबारों में है और ये वार्निंग उन सभी के लिए है जो मजदूरी मेहनताना तो करवाते हैं लोगों से, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं देते। अब अखबार की जो चेतावनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और उसमें किसको कितना न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी, वहां पर देश भर से रोजगार की तलाश में, मजदूरी में लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ही ज्यादती होती है, उन्हें उनका मेहनताना जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली में अब सरकार ने सख्त कानून नियम लागू कर दिए हैं, जो भी न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा उसे जो है 3 साल की जेल और 50,000 रुपए का उस कंपनी या उस फैक्ट्री या उस उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। मैं आपको ये वार्निंग दिखाना चाहती हूँ। ये वार्निंग है फॉर दोज स्टिल नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस टू लेबर एंड वर्कर्स ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने ये चेतावनी आज की हर अखबार में दी है कि जो अनस्किल्ड है मजदूर हमारे वर्कर हैं उनको 14,000 रुपए हर महीने मिलना चाहिए, यानी कि रोज का 538 रुपए। जो सेमी स्किल्ड हमारी कैटेगरी में आते हैं उनको 15,400 रुपए हर महीने न्यूनतम मजदूरी देना ही होगा, यानी कि हर दिन के हिसाब से 592 रुपीज। स्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए 16,962 रुपए पर मंथ सैलरी है। ये भारत की राजधानी दिल्ली में गरीब और मजदूर आम आदमी उस गरीब मजदूर वर्कर आम आदमी के लिए लड़ रही है और उन्हें इतनी महंगाई में ये न्यूनतम मजदूरी जो है वो देने के लिए किसी और का नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 31/10/2018 को पिछले ही महीने, आप कह सकते हैं अभी दिसंबर आ गया है, लगभग नवंबर अक्टूबर में ये दिया था और सरकार ने इसे लागू किया है 1/11/2018 से, यानी कि सभी को न्यूनतम मजदूरी 1 नवंबर 2018 से ये जो आपके सामने है वो देनी होगी। और अगर नहीं देंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है उन्हें आप देख रहे हैं। 50,000 रुपए का उन पर फैक्ट्रियों पर, उन मालिकों पर जुर्माना लगेगा और 3 साल की कैद भी हो सकती है। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने वार्निंग चेतावनी हर अखबारों में दी है और जो श्रमिक को ये न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय की है नहीं मिलती, उसका मेहनताना नहीं मिलता, उसके साथ ठगी होती है, अन्याय होता है, तो श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 155214 जो सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से 6 बजे तक जो भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वर्कर हैं, लेबर्स हैं, उनकी समस्याओं को, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है अपने मालिकों के खिलाफ, इस नंबर पर जो है वो शिकायत कर सकते हैं। तो ये है दिल्ली सरकार की आम आदमी गरीब मजदूर को इतनी महंगाई में राहत देना और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना और उन्हें दिलवाना। मुझे नहीं मालूम देश के बाकी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी क्या है, पर दिल्ली की सरकार न्यूनतम मजदूरी जो है 14,000 से लगभग 17,000 रुपए, कम से कम 14,000 और अधिक से अधिक 17,000 रुपए अपने जो है वो अनस्किल्ड से स्किल्ड अपने वर्कर को, लेबर को, मजदूरों को दिलाने का वायदा करती है और ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी वायदा करती है। तो मैं आप सभी से कहूंगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी महंगाई में जो गरीब मजदूर अन्याय का सामना कर रहा है, जिसकी सुनवाई नहीं है, वो इस हेल्पलाइन नंबर 155214 पर कॉल करके अपनी बात को रख सकता है। और उसे हम यकीन दिलाते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, हमारे लेबर मिनिस्टर गोपाल राय जी ने ये बीड़ा उठाया है ताकि हम हर गरीब मजदूर आम आदमी को इतनी महंगाई में उसका हक, उसका मेहनताना दिला पाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, इससे न केवल दिल्ली के जो मजदूर हैं, गरीब आम आदमी किस हैं, उसे ही राहत मिलेगी, बल्कि देश के अंदर अगर किसी को आज भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो उन्हें भी एक नई उम्मीद जागे कि वो भी अपनी राज्य की सरकारों से, अगर भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सरकार
न्यूनतम मजदूरी दे सकते हैं तो दूसरे राज्य अपने मजदूरों को, अपने लेबर को, अपने जो श्रमिक हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं दे सकते इतनी महंगाई में। तो उम्मीद करती हूँ और दिल्ली की सरकार का, केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सही मायनों में ये आम आदमी गरीब मजदूरों की सरकार है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।